युवती जमुना जी के किनारे सिर पकड़ के रो रही, दो बुड्ढों के बीच में बैठी। उसके रोने की आवाज सुन के मैं चला गया उसके पास। मैंने पूछा, कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं और ऐसे क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें? तब उस देवी ने मुझे प्रणाम करके पहले अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी और दोनों बुड्ढे जो लेटे हैं मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी बार बार कभी बेटे को देखे, कभी मैया को देखे। 20 साल की माता जी और 90 साल के बेटा कैसे हो गए भाई? ये दोनों बुड्ढे तुम्हारे बच्चे हैं? बोले हाँ महाराज, इसीलिए तो रो रही हूं। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मेरी जन्मभूमि है दक्षिण भारत, द्रविण देश। दक्षिण में मैं पैदा भाई, कर्नाटक में मैं बड़ी भाई, महाराष्ट्र में मेरा लालन पालन भरण पोषण बहुत अच्छी तरीके से हुआ, पर कहीं कहीं पर पाखंडियों से पीड़ित होकर के मैं अपने बच्चों को लिए भागी भागती फिरी। पाखंडी खंडितांग का, पाखंड से भक्ति को बड़ी पीड़ा पहुंचती है। भक्ति मां कहती है, मैं इधर उधर बच्चों को लिए फिरती रही, पर वृंदावन में जब मैं घूमती फिरती आई तो आते ही वृंदावन की भूमि में कदम रखते ही जाता हम तरुणी, मैं एकदम नई नवेली हो गई। महाराज इस भूमि में ऐसा चमत्कार है कि मैं तो जवान हो गई पर मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए, और मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस भूमि को भी छोड़ करके कहीं परदेश चली जाऊंगी। और नारद जी एक क्षण में भक्ति मां की इस पीड़ा का कारण समझ गए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये सांकेतिक कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति को एक स्त्री के रूप में, ज्ञान और वैराग्य को उसके दो बेटों के रूप में प्रस्तुत किया गया। संकेत क्या कहना चाह रहे हैं? भक्ति की जन्मभूमि द्रविण देश, द्रविण माने दक्षिण भारत, और आज भी आप देखिए दक्षिण भारत में आज भी जो भक्ति भाव देखने को मिलेगा वो आपको कहीं नहीं। विश्व में भारतवर्ष और भारतवर्ष में दक्षिण, क्या बड़े बड़े भव्य आज भी देवालय जो दक्षिण में दिखाई पड़ेंगे आपको, कि एक मंदिर को ही पूरा घूमना एक दिन के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बड़ी इतनी बड़ी बड़ी तो परिक्रमाएं होती हैं दक्षिण भारत के मंदिरों की कि एक दिन में पूरी परिक्रमा लगाना भारी पड़ जाएगा। इतने विशाल भवन देवालय, उन देवालयों में बड़े बड़े गजराज ठाकुर जी की सेवा में खड़े हैं हाथी। ठाकुर जी का ऐश्वर्य देखना है तो दक्षिण में देखिए, ठाकुर जी के पूरे ठाट हैं, आचार विचार भी पूरा। दक्षिण के व्यक्ति में शायद ही कोई हो जिसके माथे पर कुछ लगा ना हो, रोली या भस्म। उत्तर भारत में तो बड़े सौभाग्य की बात है किसी के माथे पर कुछ टीका लगा मिल जाए तो, नहीं तो साफ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो इसलिए भक्ति मां कहती है, उत्पन्ना द्रविणे, मैं द्रविण में पैदा हुई। और इसका सांकेतिक मतलब एक और है, जब हमारा हृदय अत्यंत द्रवित होता है ना, द्रवित होने का मतलब पिघलना, जब हमारा हृदय एकदम भावुकता में पिघलने लगे तो समझ लो हमारे भीतर भक्ति जन्म ले रही है। आंखों में प्रेम के आंसू आ जाएं, कंठ अवरुद्ध हो जाए तो समझ लो हृदय पिघल रहा है।
हृदय तभी पिघलता है जब हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। द्रविण देश में ही भक्ति पैदा होती है ना, तो द्रविण देश का मतलब ये शरीर भी तो हमारा देश है, और इसमें जब हृदय द्रवित हो तो समझ लो भक्ति उत्पन्न हो रही है। अब उत्पन्न तो हो गई, सयानी भी तो होनी चाहिए। बच्चा छोटा बहुत नाजुक होता है, तो भावुकता में भक्ति प्रकट हुई, परंतु सयानी समझदार बड़ी कब हुई? बोले वृद्धिम कर्णाटके गता। जिन प्रभु के प्रेम में भक्ति प्रादुर्भूत हुई, प्रकट हुई, वो बड़ी कब होगी? जब भगवान की कथा कर्णाटके गता, जब कान में भगवान की मधुर मधुर कथाएं आप सुनेंगे, ये गोविंद के चरित्र जब कान में जाएंगे तो आपकी भक्ति बड़ी होने लगेगी, सयानी होने लगेगी, पुष्ट होने लगेगी। ये भी संकेत है। तो हृदय के द्रविण देश में द्रवीभूत हृदय से भक्ति प्रकट होती है, और बारंबार भगवान की कथा सुनने से भक्ति पुष्ट होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। पर वृंदावन में क्यों रो रही हैं? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछ ही नहीं रहा, वहां तो चारों तरफ भक्ति ही उमड़ रही है। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, वहां तो सब भक्त ही भक्त भरे पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछ ही नहीं रहा। जबकि भक्ति के ही दोनों बेटा हैं। अब बताओ, मां को तुम कितना भी आदर दो, उसके बच्चे को मार पीट के भगा दो। अब बच्चे खेल रहे हैं, पर बहुत से लोग इसलिए नहीं बोल पा रहे, भगा देंगे तो उनकी मैया बैठी अभी नाराज हो जाएगी कि बेटे को भगा दिया तो अम्मी चले। तो भले ही कितना शोर मचावे बच्चे, परंतु लोग जल्दी से बच्चों पर हाथ नहीं उठाते या ना भगाते, कि कोई माँ देख लेगी तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। तो माँ को कितना भी आदर दो, पर उसके बच्चे को हाथ लगा दिया या तो उसको धक्का मार दिया, तो फिर माँ का मूड खराब हो जाएगा। तो वृंदावन में भक्ति को तो बड़ा आदर मिल रहा है, भक्तों की भीड़ भरी पड़ी है, और ज्ञान वैराग्य को कोई पूछ नहीं रहा, तो भक्ति को बुरा लग रहा है, तो दुखी हो रही है, रो रही है। बच्चे मेरे बुढ़े हो गए, कोई पूछ ही नहीं रहा, और नहीं पूछेंगे मेरे बच्चों को तो इदम स्थानम परित्यज्य, मैं अभी यह छोड़ के चली जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा, माता जी ऐसा ना करो, वृंदावन की महिमा तो क्या, भारत भूमि की महिमा भक्ति से है। भारत से यदि भक्ति का पलायन हो गया तो भारत में फिर बचेगा क्या? इसलिए देवी आप दुखी ना होइए, सतयुग द्वापर त्रेता में आपका आदर सम्मान खूब रहा, परंतु अब कलयुग चल रहा है। बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम ना पिदृश्यते। एक कलयुग बड़ा कठिन है, कठिन कराल कलिकाल में जो जो ये कलयुग बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों भक्ति भाव से विहीन लोग होते जाएंगे। जितने भी शुभ मंगल दिखाई पड़ रहे हैं, उत्सवों का आनंद, ये धीरे धीरे सब विलुप्त होने लगेगा, सब में विकृति आने लगेगी, या तो विलुप्त हो जाएंगे या विकृत हो जाएंगे।